हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज प्रीत तिवारी। मेरे चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आपको डिजाइनर ड्रेस बहुत पसंद आ रहा है इस चैनल पे, तो मैंने सोचा कि डिजाइनर ड्रेस से ही रिलेटेड वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की जाए। तो आज मैं लेके आई हूँ घाघरा बोल दो, लहंगा बोल दो, स्कर्ट बोल दो, लॉन्ग स्कर्ट, तो इस टाइप के ड्रेस की कटिंग और स्टिचिंग सब कुछ समझाया हुआ है। लाइनिंग कैसे लगानी है, कैसे कटिंग करनी है और कैसा लुक आया है पहन के भी सब कुछ आपको दिखाएंगे इस वीडियो में। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे तो अभी नए ही होंगे, चैनल ने अभी अभी जस्ट स्टार्ट ही किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रेड कलर के बटन को क्लिक कर दीजिएगा, साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग को मिल जाए। तो और इंस्टा आईडी है प्रीत_24, तो वहाँ पे भी जाके आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, और हाँ, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब छोड़ दीजिए घाघरा बैक से, ठीक है। इंच दिख रहा है, 10 इंच, 10 इंच दिख रहा। ऐड आप बाद में करेंगे आवाज। हाँ, 10 इंच पहले कमर के पास से आपको इस तरीके से डबल फोल्डेड कपड़ा रख लेना है। ओके, डबल फोल्डेड कपड़ा रख के कि जो खुला है वो पार्ट। हाँ, ओपन साइड से इस तरीके से, और यहाँ पे 10 इंच आपको जितना आपका कमर का साइज होगा, यहाँ पे 36 है तो मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है और 10 इंच पे इस तरीके से निशान लगा दिया है। ये हमारा लाइनिंग है, मतलब अस्तर है, तो आपको जितनी लेंथ चाहिए उससे ये छोटा रहेगा। ओके, तो पहले जो हमारा इस साइड का लेंथ है, क्योंकि हमारा पूरा टोटल कपड़ा कितना ही है यहाँ पे। ओके, तो इस साइड में जितना लेंथ है उतना आप इसको नाप लो। यहाँ पे हमारा 29 इंच बच रहा है। ओके, पूरा लेंथ 29 इंच यहाँ पे है, तो 29 इंच आपको इस साइड से भी ले लेना है। ओके, तो 29 इंच पे मैंने यहाँ पे निशान लगा दिया। अब फिर आपको पूरा 29 इंच पे ही निशान लगाते जाना है। जो घाघरे के अंदर हमको नीचे, लहंगे के अंदर जो नीचे हमको अस्तर लगाना है, ये उसका साइज है। ओके, तो इस तरीके से आपको अस्तर कट करना है। अगर आपके पास कपड़ा कम है तो आप अस्तर का घेरा कम भी कर सकते हो, लेकिन जितना लहंगे का घेरा रहता है उतना अस्तर का भी घेरा रहे तो ज़्यादा अच्छा दिखता है, लुक अच्छा आता है। ओके, तो ये इस तरीके से कट करने के बाद से हमको यहाँ से कट कर देना है। उसके बाद जो आपने ये निशान लगाया है उसको कट कर लेना है। तो ये हमारा अस्तर कट हो चुका है, तो हम लोग कपड़े को कट करना है। तो ये हमारा कपड़ा है जिसे हमको बनाना है। तो ये हमने अपना जो हमारा कपड़ा है, लहंगे का मतलब घाघरे का कपड़ा है, उसका हमने डबल फोल्ड करके यहाँ पे इस तरीके से बिछा दिया है। ओके, फोल्ड कर दो। उसके बाद से जो आपने अस्तर कट किया था इसको आप इसके ऊपर रख लो ताकि आपका कमर का साइज वगैरह परफेक्टली निकले। तो यहाँ पे हमको 10 इंच चाहिए था कमर का साइज, तो एकदम सेम साइज यहाँ पे हमने रख दिया है। उसके बाद से इसको बिछा लेना है, इतना गहरा सही है ना इसका है। उसके बाद से हमारी लंबाई टोटल हमको तैयार करना है 43 इंच पे, बस यार साया जैसा नहीं लगना चाहिए, साया जैसा नहीं। 43 इंच पे तैयार करना है, तो यहाँ पे 43 इंच हमारा यहाँ पे आता है, पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा वीडियो पूरा दिख रहा है, वहाँ से ऊपर से नीचे तक दिख रहा है ऊपर से नीचे। तो 43 इंच पे हमको तैयार करना है। एक मिनट रुकिएगा, थोड़ा सा हम लॉन्ग रखेंगे, क्योंकि थोड़ा सा लॉन्ग इसलिए रखेंगे कि जब हम लोग सैंडल वगैरह पहनते हैं तो अच्छा सा लुक आए, नीचे तक सैंडल हमारा धस जाए। तो 43 इंच पे जैसे हमने इसका निशान लगाया था वैसे ही इसका भी लगा लेंगे।
अब दूसरी साइड से यहाँ से भी इसी तरीके से 43 इंच पे हमको निशान लगाना है। यहाँ पे हमारा पूरा यहाँ पे आ रहा है। इसको भी हम लोग कट कर लेंगे। पता तक दिखा दो। बंद करूं? हाँ ऑन है। अब इसको जब हमको स्टिच करना होगा तो ये जो हमारा लाइनिंग का कपड़ा है उसको एक साइड से आप पहले सिल दोगे। ओके, जैसे सिलने के बाद से और इसको ओपन करके फिर हम लोग जब इसको ओपन कर लेंगे तो लाइनिंग का कपड़ा पहले इसमें ज्वाइंट कर लेना है ऊपर में, उसके बाद आपको बेल्ट लगानी है। बेल्ट के लिए कपड़ा इसमें से कट कर लेते हैं, पूरा स्ट्रेट कपड़ा कट करना है। ऐसे डबल करके यहाँ पे आप कपड़े को रख लीजिए जितना आपका कमर का साइज था उसके हिसाब से। ओके, तो ये आपका सिंगल साइज है। ओके, तो ये अपना कमर का साइज लेके, जैसे कि आपका 36 था तो 18 इंच लंबाई लेके आपको जितना चौड़ा बेल्ट लगाना है उतना आपको यहाँ पे ले लेना है। तो जैसे कि मेरा 36 कमर था तो मैंने यहाँ पे 18 इंच का ये चौड़ाई लिया है बेल्ट का, और लंबाई मेरे को 8 इंच लंबाई ले ली है। इससे क्या होता है कि ऊपर का पोर्शन आपका फिटिंग अच्छे से आता है और नीचे बहुत ज़्यादा घेरा बनता है तो लुक अच्छा आता है। वैसे मैं पहन के पूरा दिखाऊंगी ही आपको जब स्टिच हो जाएगा। तो ये देखिए, ये आपके कमर का साइज है और ये हमने यहाँ पे बेल्ट कट किया है। तो बेल्ट को इस तरीके से ज्वाइंट करेंगे जैसे कि पेटीकोट का पट्टी ज्वाइंट करते हैं उस तरीके से। तो ये आपका बेल्ट हो गया। ये पूरा लुक इस तरीके का आएगा लहंगे का। अच्छा, लहंगे का जो उल्टा वाला साइड है ये वाला, वहाँ पे आपको लाइनिंग रखनी है अपनी अस्तर। और अस्तर जैसे आपने स्टिच किया है उसका सीधा वाला साइड उल्टे वाले साइड से मिला के, मतलब जो आपका उल्टा होगा वो अंदर की तरफ चले जाना चाहिए। और यहाँ से आपको इसको पूरा सिल देना है यहाँ तक इस तरीके से मिला के। ओके, तो चलिए सिल के और फिर मिलते हैं। अब ये स्टिच करने के बाद से आपको बेल्ट ज्वाइंट करना है। बेल्ट ज्वाइन आपको उल्टी साइड से करना है और सीधे साइड में पलटना है। इससे क्या होगा कि फिनिशिंग अच्छी आएगी। तो यहाँ से मैं बेल्ट इस तरीके से ज्वाइंट कर ले रही हूँ पूरा यहाँ तक। ओके, लास्ट पॉइंट तक इस तरीके से बेल्ट को ज्वाइंट करना है। उल्टी साइड से क्यों जोड़ रहे हैं वो भी अभी बताएंगे आपको। अब ये जो बेल्ट का साइड वाला पोर्शन है उसको इस तरीके से फोल्ड करके इस पर सिलाई चला लीजिए ताकि फिनिशिंग आपकी अच्छी आए। ऐसे रख के और यहाँ पे स्ट्रेट सिलाई चला लेंगे दोनों साइड से। ये सिलने के बाद से जैसे कि मैंने बोला था उल्टे साइड से आपको बेल्ट ज्वाइंट करना है। क्यों करना है? क्योंकि जब ये आपका धागा होता है अगर आप सीधे साइड से सिलते हो और फिर फोल्ड करते हो तो ये धागा दिखता है जिसकी वजह से आपकी फिनिशिंग अच्छी नहीं लगती है। अभी आप बेल्ट आपने उल्टी तरफ से जोड़ा है और अभी आप इस तरीके से फोल्ड करके और इसको बेल्ट को ज्वाइंट करोगे तो आपका धागा बिल्कुल भी नहीं दिखेगा और फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आएगी। तो इस तरीके से अब आपको इसके ऊपर रख के सिलाई चला लेनी है। ठीक है,
इसके ऊपर रख के और सिलाई चला देनी है। तो थोड़ा नीचे कीजिए आप, घाघरा वाने तो आपका मुंह दिखेगा, पूरा घाघरा दिखाऊंगे तो ठीक है। आपको यहाँ से लेके इस तरीके से स्टिच कर देना है। पहले आप अस्तर को स्टिच करोगे, अस्तर पकड़ के, उसके बाद आपको ये वाला स्टिच करना। तो चलिए कितने स्टिच करना वो मैं दिखाती हूं। अब आपको यहाँ से यहाँ थोड़ा सा लॉक कर दीजिएगा, और ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको आप कट करोगे। आप चाहो तो अस्तर और ये कपड़ा दोनों अलग अलग भी स्टिच कर सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पे साथ में ही कर दिया है चारों कपड़ों को पकड़ के। ओके, इसके लिए आपको ये ऐसे रखना है, देन ये दोनों कपड़े हो गए और ये वाला अस्तर अच्छे से पकड़ के और फिर सिलाई चला देंगे। लहंगा सिलते वक्त ये एक्स्ट्रा हो सकता है, उसके लिए कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि बिगड़ गया चाहे ऐसा कुछ। इस तरीके से पहले नीचे वाले अस्तर को रखिए, फिर ये दोनों कपड़े आपको रखने हैं, फिर ये वाला अस्तर ऐसे रख के और थोड़ा नीचे तक सिलाई कर देंगे। आप लड्डू को पकड़ के कपड़ा सिलती हैं क्या? और फिर यहाँ से इस तरीके से पूरा स्टिच होने के बाद से आपको नीचे वाला फोल्ड करके और थोड़ा थोड़ा फोल्ड करके आप इसको सिल दो। थोड़ा थोड़ा ऐसे रख लीजिए और ये ऐसे मोड़ के बस एकदम पतला सिलिएगा, क्योंकि पतला पे ही लुक अच्छा दिखेगा और पतला आपकी फिनिशिंग भी अच्छी आएगी उसके। उससे और भी स्टाइलिश लुक आ जाएगा आपके लहंगे का। बट मुझे यहाँ पे सिंपल घाघरा चाहिए था तो मैंने ऐसे ही सिल दिया है। तो मैं इसको पूरा सिल के फिर दिखाती हूँ। फाइनली इसका घेरा मैंने स्टिच करके कंप्लीट कर लिया और मैं इसका फाइनल लुक आप लोगों को दिखाती हूँ। अच्छा लगा हो, अच्छे से समझ में आ गया होगा कटिंग और स्टिचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो, अच्छे से समझ में आया हो और भी इस तरीके की डिजाइनर ड्रेस की वीडियोस देखनी हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं और भी अच्छी अच्छी डिजाइनर ड्रेस की वीडियोज आप लोगों के लिए लेकर आ पाऊंगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू और टेक केयर। मिलते नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिए और मुझे ऐसे सपोर्ट करते रहिए। और आपको किस टाइप की ड्रेस की डिजाइनिंग देखनी है कमेंट बॉक्स में बताते रहिएगा। बाय बाय।